हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रेन में कौन कौन सी डिफरेंट क्लासेस होती हैं जिनमें हम लोग टिकट बुक करा सकते हैं, किस किस क्लास में हमको कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, कौन सी क्लासेस ज़्यादा महंगी होती हैं, कौन सी सस्ती होती हैं। जैसे कि आप टिकट बुक कराते हो तो कभी फर्स्ट AC लिखा होता है, तो सेकेंड AC लिखा होता है, थर्ड AC लिखा होता है, स्लीपर लिखा होता है। तो अलग अलग क्लासेस होती हैं जिसमें हम टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्लासेस के अलग अलग जो होते हैं वो प्राइस लिस्ट भी होती है जिसके चलते हम लोग टिकट बुक करा सकते हैं। तो आज हम लोग ईच एंड एवरी क्लास के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस कैटेगरी में सबसे पहली जो है वो है जनरल क्लास, या जिसको बोलते हैं अनरिजर्व क्लास। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको इसका टिकट स्टेशन पे ही ज़्यादातर मिलता है, ज़्यादातर लोग इसका स्टेशन से ही टिकट लेते हैं। और ये उन लोगों के लिए जो लोअर क्लासेस से आते हैं, क्योंकि इसका टिकट होता है बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है अदर क्लासेस से कंपेयर करें तो। और इसमें क्या होता है, पहले आओ पहले पाओ का ही ऑप्शन होता है, जो पहले आ गया उसको सीट मिल गई, जो नहीं आ पाया वो खड़े खड़े ही जा पाएगा। तो ये एक मतलब ये कि यहाँ पे आपको कोई भी सीट कंफर्म नहीं होती है, आप चाहो तो आपको जगह मिले तो बैठ जाओ, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद जो क्लास आती है वो होती है सेकेंड क्लास। ये बेसिकली उन ट्रेनों में होती है जो कम दूरी में ट्रैवल करती हैं, जैसे कि इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो कि मतलब कम समय के लिए ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या देखिए, यहाँ पे तीन तीन सीटें दी होती हैं आमने सामने, और इसमें आपको एक बुकिंग सीट कन्फर्म मिल जाती है जिसमें आप बैठ के जा सकते हो। इसके बाद आती है थर्ड नंबर पे जो है स्लीपर क्लास। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली क्लास यही है, क्योंकि इसको हमारा इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो यूज़ करता है मोस्टली। इसमें क्या होता है, आपको एक सीट कंफर्म मिलती है जिसमें आप बैठ भी सकते हो और लेट भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो मतलब जो टिकट जो कन्फर्म नहीं हो पाती हैं, वेटिंग लिस्ट में होती हैं, तो वो लोग भी इस क्लास में सफ़र कर लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं है और चीप भी नहीं है, ये एक मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए होती है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लास भी है। इसके बाद जो क्लास आती है वो होती है थर्ड AC, या जिसको बोलते हैं 3A क्लास। इसके नाम में ही आ रहा है एयर कंडीशन क्लास, इसका मतलब ये है इसका लुक जो होता है ऑलमोस्ट जो होता है स्लीपर क्लास की तरीके ही होता है। इसमें एक कोच में आठ सीटें होती हैं, तीन इस तरफ और दो सामने की ओर खिड़की की तरफ। यहाँ पे क्या है, बस आपको जो ग्लासेस हैं वो टिंट ग्लास मिलते हैं, जो बिल्कुल तरह कवर्ड होते हैं, ठंडी में आपको बिल्कुल हवा नहीं आ सकती बाहर से, और साथ में इसमें AC की वजह से गर्मी में बहुत ही ज़्यादा आराम रहती है। और यहाँ पे आपको बेडिंग या टॉवर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये थोड़ी कॉस्टली होती है स्लीपर क्लास से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्ड करते हैं वो लोग जो अपर क्लास में आते हैं। थर्ड AC के बाद आता है सेकेंड AC। यहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ी प्राइवेसी ज़्यादा मिलती है थर्ड AC से, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक कंपार्टमेंट में कर्टेंस मिल जाते हैं जिनकी सहायता से आप उनको आसानी से टाल सकते हो और अपने एक प्राइवेसी को बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिलता है थर्ड AC से, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होता है, तीन सीटें मिलती दोनों तरफ, और यहाँ पे क्या होता है, दो सीटें मिलती दोनों तरफ, तो इसकी वजह से थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा मिलता है और आपकी थोड़ी प्राइवेसी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी टिकट थर्ड AC से थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। और सबसे लास्ट में इसके बाद आता है मोस्ट एक्सपेंसिव, जो कि होता है फर्स्ट AC। यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए, अपर क्लास लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, जो इनको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। इसका जो टिकट होता है सेकेंड AC से लगभग डबल होता है। यहाँ पे आपको प्राइवेसी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइवेट कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें गेट लगा होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 4-seater मिल रहा है। इसके अलावा अगर 2-seater भी होता है तो उसमें वो भी मिलता है। कपल जो बुक कराते हैं तो उसमें उनको 2-seater वाला जो कंपार्टमेंट वो मिल जाता है। अगर कोई सिंगल या फैमिली वाला बुक करा रहा है तो उसमें आपको 4-seater वाला कंपार्टमेंट मिल जाता है। तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा कंपार्टमेंट होता है इसका, क्योंकि इसके प्राइस भी इतने ज़्यादा हाई होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ स्पेशल ट्रेन्स की, जैसे कि जो फास्टेस्ट ट्रेन्स हैं इंडिया की, लाइक शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत या तेजस। तो उनमें क्या होता है, दो प्रकार की टिकट्स होती हैं यहाँ पे, एक होती है EC और दूसरी होती है CC। इसका मतलब ये होता है कि एक होता है एग्जीक्यूटिव चेयर का और दूसरी होती है एयर कंडीशन चेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे ये आप देख सकते हो, ये है हमारी CC चेयर कार। यहाँ पे क्या है, एक तरफ 3 सीट होती है, एक तरफ 2 सीट होती हैं, इसमें आप आसानी से बैठ के जा सकते हो। ये उन ट्रेनों में होती ज़्यादातर जो मतलब कम
जल्दी पहुँचाती हैं, कम समय लेती हैं, तो आपको बैठ के क्योंकि जाना होता है इसमें, इस वजह से ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं बाकी ट्रेनों से, क्योंकि ये फास्टेस्ट ट्रेन होती हैं इंडिया की। इसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव चेयर कार में। ये सीसी की अपेक्षा थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि हमने आपको पिछली इमेज में दिखाया था कि वहाँ पे क्या है कि 3 सीट होती है, एक तरफ 2 सीट होती है, तो आपको स्पेस कम मिलता है। यहाँ पे आपको स्पेस अच्छा मिल जाता है, क्योंकि दोनों तरफ देखिए दो दो सीटें हैं, और बीच में आपको एक टेबल मिलती है जिसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, खाना खा सकते हो, या और भी काम कर सकते हो। तो ये थी वो सारी क्लासेस जो आप इंडियन रेलवे में बुक कर सकते हो। सो होप के वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।